Hey everyone, welcome to my channel. I'm your host Anjum Shah. तो लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था स्पॉट डिटेक्शन के बारे में. इन दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू डिस्कस सिक्स डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल ट्रेनिंग. तो सबसे पहली चीज जो होती है, फीमेल्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है इज 10 टू 15 टाइम्स लेस देन मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल. तो टेस्टोस्टेरोन लेवल एक मेजर रोल प्ले करता है. जैसे हमारे हेयर होते हैं, वी आर मोर स्ट्रॉन्गर, वी फील, जो साइज होता है हमारा जेनेटिकली पहले से वो ज्यादा होता है डिपेंड ऑन टेस्टोस्टेरोन लेवल. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल के रिलेटेड. उसमें एक फैक्टर स्ट्रेंथ भी है, हेयर भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिफर करता है मेल और फीमेल में. दूसरी जो चीज है वो है कि हमारे जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स रहते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं. मेल और फीमेल में ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है. सेम वर्कआउट रूटीन दोनों ही फॉलो कर सकते हैं. कोई ऐसा नहीं है कि फीमेल को ज्यादा कार्डियो करना और मेल को कम कार्डियो करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक को करना है दूसरे को नहीं करना है. दोनों ही प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आराम से कर सकते हैं और इक्वली एक साथ भी कर सकते हैं. द डिफरेंस इज कि फीमेल जो है कम वेट उठा पाती है, इसके कारण मे बी वेट चेंज करने में टाइम लगेगा, बट वो एक साथ वर्कआउट कर सकते हैं. तीसरी चीज है जो कि एक मिथ है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कि फीमेल्स कैन नॉट गेन मसल्स फास्टर. मतलब फीमेल्स कैन नॉट गेट मसल मास, सिर्फ मेल्स मसल मास फास्ट गेन करते हैं. ऐसा नहीं है. फीमेल्स यूजुअली स्टार्ट एट लोअर मसल मास पॉइंट. उनका जो स्ट्रेंथ होता है लो होता है कंपेयर टू मेल जब वो स्टार्ट करते हैं. तो अगर उनका सेम तरीके से भी स्ट्रेंथ गेन हो रहा है सेम वर्कआउट कर रहे हैं, ऑब्वियसली फीमेल का हमेशा जो मसल मास है वो कम ही रहेगा मेल से, बिकॉज फीमेल ने जो स्टार्टिंग किया होता है वो भी कम से किया होता है. मेल का स्टार्टिंग जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा से होता है. तो लेकिन मसल मास गेन होता है फीमेल्स में, विच मेक्स देम लुक मोर टोन्ड. चौथी चीज है कि फीमेल जो है वो भी स्ट्रांग हो सकती है. मतलब उनका भी स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़ सकता है अगर वो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करे. सिर्फ मेल्स का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता है, फीमेल्स का भी स्ट्रेंथ अच्छे से इम्प्रोवाइज होता है. दे जस्ट हैव टू प्रायोरिटाइज देयर वर्कआउट अकॉर्डिंगली. फिफ्थ पॉइंट इज कि फीमेल्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा लोअर बॉडी में होता है, मेल्स का नेचुरली जो स्ट्रेंथ होता है अपर बॉडी में ज्यादा होता है. सो ऑल ओवर हमें ट्रेनिंग सेम रखना है, दोनों को बैलेंस हो ही जाएगा, बिकॉज विद इन अ वीक आप हर किसी मसल को टारगेट करते हो तो बैलेंस दोनों में आ जाता है. तो कोई ऐसा ऊपर नीचे नहीं होता है कि यू हैव टू ट्रेन मोर ऑफ एंड लोअर बॉडी. अगर लोअर बॉडी स्ट्रांग है हमें दोनों को बैलेंस करता है नेचुरली, बट फीमेल्स का लोअर बॉडी स्ट्रांग होता है, मेल्स का अपर बॉडी थोड़ा सा स्ट्रांग होता है. सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज के फीमेल्स उनके बॉडी में एस्ट्रोजन थोड़ा सा ज्यादा होता है. जैसे टेस्टोस्टेरोन कम है तो एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, तो उसके कारण फीमेल्स का एंड्यूरेंस लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स. तो मेल्स में एंड्यूरेंस कम होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और फीमेल्स में नेचुरली एंड्यूरेंस ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ कम होता है. सो विच मेक्स देम डू लॉट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, वो आराम से कर लेते हैं. तो ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा कुछ करना है, ज़्यादा एक्टिविटी करना है तो फीमेल्स आराम से कर लेते हैं. बट मेल जो है उनका स्ट्रेंथ नेचुरली थोड़ा सा ज़्यादा होता है ड्यू टू टाइप 2 मसल फाइबर्स, उनके थोड़े से ज़्यादा होते हैं. और फीमेल्स में टाइप 1 मसल फाइबर्स, जिनको स्लो ट्विच मसल फाइबर्स बोलते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं. जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो उनके दोनों जो हमारे मसल फाइबर्स है वो बैलेंस हो ही जाते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अंजुम शाह फिटनेस. थैंक यू.